बंगाल की इस मई की कड़कड़ाती धूप में मैं अपने पैरों का सही उपयोग करते हुए निकल चुका था अपने घर से पैदल पैदल बिरपड़ा की ओर। तो जैसे ही मैं रास्ते में जा रहा था तो ये हवा भी चल रहा था बहुत अच्छे से, और ये झंडा कैसे लहरा रहे आप लोग देख सकते हो। तो बस का मैं वेट कर रहा था इस कड़कड़ाती हुई धूप में, तो बस का वेट करते करते मतलब परेशान हो चुका था क्योंकि आधे घंटे से खड़ा था, कोई बस नहीं आ रहा था। उसके बाद यहीं पे मैं खड़ा था, पसीने से मेरा हालत ख़राब हो चुका था, पसीना पोंछते हुए। उसके बाद मैं साइड में चला गया, छाई में खड़ा हो गया आराम से, हीरो के जैसा आप लोग देख सकते हो। 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये देख सकते हो हमारी लहराती हुई बस आ चुकी थी। तो जैसे ही बस आया रुका, मैं बस में चढ़ा तो बस में इस तरीके का माहौल था, और मैं शान से अपना ब्लॉग करते हुए मैं इस तरीके से बैठा हुआ था। जैसे ही मैं बिरपड़ा में उतरा तो अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए और ख़ुद को हीरो दिखाने के लिए मैं इस तरीके से स्टाइल मारते हुए चश्मा पहन लिया। उसके बाद ये मैं पुचका वाला भैया के साथ थोड़ा बात किया, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक किया, हंसी मजाक करते हुए इनसे मैं बात कर रहा था। और गर्मी का आलम कुछ इस प्रकार था कि हमारी ये सारी गौ माताएं छाई में बैठ के छाई का आनंद लेते हुए, सो मैं जिस काम के लिए आया था वो काम हो चुका है, और उस चीज़ को मैं इससे मिनी ब्लॉग में नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो अगर आपको ये मेरा मिनी ब्लॉग शॉर्ट ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके के कुछ और मिनी ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू।